अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसे रखने का रीज़न, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पब्लिक के सामने, अवाम में रखते हुए कुछ जाहिर करने के लिए रखी है। एक पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पे जब होता है, वो पूरी की पूरी निष्ठा से ओथ लेता है कि वो समाज की और समाज में रहने वाले लोगों की सुरक्षा करेगा। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस ऑफिसर्स के बेस में, जो लोग पुलिस स्टेशन में बैठ के इल्लीगल व्यापार को सपोर्ट करते हुए एक ट्रैप बिछाते हैं, ये एक कॉन्फ्रेंस आज ये साबित करने के लिए है कि एक कंप्लेंट मैं कर रही हूँ 24 अगस्त 2023 से, ठीक है, यानी पिछले महीने से, और वो कोई छोटी मोटी सी कंप्लेंट नहीं है, एक बहुत बड़ा इल्लीगल जुगाड़ चलता है, हमारे महाराष्ट्र के अंतर्गत में चलता है, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट नवापुर पुलिस स्टेशन, उसमें चलने वाला एक बहुत बड़ा बिजनेस जिसको गवर्नमेंट की परमिशन मिलने का कोई सवाल नहीं उठता, फिर भी वो चल रहा है, जिसकी कंप्लेंट मैंने मेंशन की। कंप्लेंट मेंशन करने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। चार दिन पहले मैंने एसपी को व्हाट्सएप पे मैसेज किया और वो जो कंप्लेंट हमने ऑफिशियल पोस्ट की थी वो उनको भेजी। भेजते साथ में मुझे 10 मिनट के अंदर पहला कॉल आया नवापुर पुलिस स्टेशन से। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट हु इज सीनियर पीआई देयर। ऑफिसर कॉल्ड अप एंड आस्क्ड मी कि मैडम आप या आपका कोई एसोसिएट यहाँ पर भेज दीजिए, हम रेड करते हैं, वो सामने खड़े होकर लाइव रिकॉर्ड कर सकता है। अभी ये बात अगर आपने किसी की कंप्लेंट सीधा चीफ मिनिस्टर से, गवर्नर से, होम डिपार्टमेंट में, जिस जिस सेक्टर में करनी, वहाँ सारे सेक्टर्स में आपने कंप्लेंट की, फाइनली आपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो जिसके अंतर्गत में वो पूरा जिला है, उसको जब आपने कंप्लेंट की, तो आपको क्या लगेगा कि यस, मेरी कंप्लेंट सही तरीके से आगे पहुँची है और अभी मुझे पुलिस के बुलाने पर निकल के जाना चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को एक क्लिप दूंगी जो मैं चाहती हूँ आप लोग रिलीज़ करो। ऑफिसर को जब मैंने जैसे ही बोला कि मैं आ रही हूँ, वो 10 मिनट के बाद में वो गैम्बलिंग माफिया के जितने भी बड़े चैनल हैं सबके कॉल्स मुझे आने लगे। वैसे ही जैसे आप जर्नलिस्ट लोग मेरे सामने खड़े, तो मेरे चाहने वाले जर्नलिस्ट भी बहुत हैं, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया है कि मैडम ट्रैप है, निकलना नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप नवापुर पहुँच पाओ, ज़रूरी नहीं है कि आप नवापुर पहुँचने के बाद में यहाँ से निकल पाओ, हो सकता है कि रास्ते में बीच में ही आपकी गाड़ी को कोई लॉरी उड़ा के चले जाए। तो मैंने 3 दिन पहले ट्विटर पे ट्वीट किया कि अगर मुझे कुछ होता है तो जिम्मेदार जो सीनियर पीआई ज्ञानेश्वर वारे नवापुर पुलिस स्टेशन, पीआर पाटिल नंदुरबाग डिस्ट्रिक्ट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसने ऑफिशियल इस सारी कंप्लेंट को मैंडेट किया था। एंड आई एम टू सरप्राइज, परसों रात को आईजी नाइट राउंड था। नाइट राउंड समझते हैं आप पत्रकार लोग, नाइट राउंड का मतलब होता है कोई इल्लीगल एक्टिविटी चलती है, चाहे वो नाइट राउंड सीनियर पीआई हो, एसीपी हो नाइट राउंड, डीसीपी हो, आईजी लेवल तक वो लोगों का काम होता है वो सारी चीज़ों को बंद करवाना। परसों रात को जैसे ही मैंने उनको वो भेजा है, एसपी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे एक बात बताओ, मैं एक नेशनल सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मेरा काम है देश के किसी भी कोने में मैंने अगर कीड़ा देखा ना, तो मैं कीड़ा ज़रूर निकालूंगी, क्योंकि मेरे अंदर है ना बहुत अलग किस्म का कीड़ा है। आपने क्या किया, आपने मुझे ब्लॉक करना बेहतर समझा। मुझे आज जैसे ही सीएम ऑफिस के पास से मेल रिप्लाई आया कि आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई एंड वी हैव फॉलोड द प्रोसीजर, और इमरजेंसी के लिए उन्होंने एक नंबर मेंशन किया था, मैंने उस पर कॉल किया, पता चला कि हमारे पूरे के पूरे स्टेट में जितने भी जुगाड़ के व्यवसाय बिजनेस चलते हैं, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे एक्टिविस्ट को ये पता चलेगा कि होम सेक्रेटरी में आपको होम सेक्रेटरी को ही वो कंप्लेंट मेंशन करनी है। क्यों? क्योंकि आप जब तक एडिशनल होम सेक्रेटरी को वो कंप्लेंट मेंशन नहीं करते हो, तो वो कंप्लेंट ऑफिशियली स्टेट गवर्नमेंट को रजिस्टर नहीं होती है। तो प्लीज़ ये आज कीजिएगा जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आप लोग समझ गए होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज का मतलब क्या था, कि अगर मैं ऑफिसर्स की बात पे सहमत होके अपना गढ़ छोड़ के मुंबई से मैं नवापुर के लिए निकलती, तो शायद मेरे फोटो पे हार आप लोग को नज़र आता, ऐसा कुछ होने वाला था। बट टू सैड, देर आर माय लविंग जर्नलिस्ट, होल बिग सर्कल, नॉट ओनली इन मुंबई, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र, इन इंटायर इंडिया। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने मेरे रिश्ते हर जगह पे ऐसे बनाए कि जब किसी को कोई तकलीफ होता है ना, तो फर्स्ट वो इमरजेंसी कॉल नंबर होता है ना, मेरे ख्याल से वो 100 नंबर के बाद में किसी की लाइफ में कोई नंबर होगा ना, वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होता है। आई एम दैट पर्सन। मेरी जिद की बात बताती हूँ, एक FIR मैं ये शेयर करना चाहूँगी। एक FIR, ये एक लड़की आई मेरे पास में, इसने कहा कि ये शिया लड़की है, मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती है, और इसने एक ब्राह्मण लड़के से प्यार करने का जुर्म किया। हिंदू मुस्लिम के ऊपर हम बहुत सुनते हैं ना, लव जिहाद के ऊपर बहुत सुनते हैं, थोड़ा सा सामने ला के बताती हूँ।
इस लड़की को पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स ने जलील किया। मैं पुलिस स्टेशन का नाम मेंशन नहीं करूंगी, आप लोगों को एफआईआर की कॉपी दे दूंगी। जलील किया और बोले जो करना जिसको लाना उसको ला, नहीं बनता ब्राह्मण लड़के के ऊपर एफआईआर। लड़की जनवरी से अगस्त तक उस पुलिस स्टेशन के धक्के खाए। किसी जर्नलिस्ट ने उसको पुलिस स्टेशन के बाहर बोला, यहाँ नहीं सुन रहे, एक जगह का नंबर देता हूँ, वहाँ अपॉइंटमेंट ले लो और वहाँ पहुँच जाना, अगर वहाँ तक पहुँच गई तो तुम्हारा काम हो जाएगा। वो लड़की मेरे पास में आई और बहुत उम्मीद लेकर आई थी और कह रही थी कि उसके सोर्सेस ऐसे है, उसका कोई रिश्तेदार ACP है, कोई रिश्तेदार ये है वो है, बड़ी बड़ी बातें लड़के वालों की तरफ से सुनने मिल रही थी। शादी करना तो दूर की बात, एक वर्जिन लड़की को ले जाके एक साल तक का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया, उसके बाद में कहते हैं कि हमारी कम्युनिटीज एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वी कांट मैरी ईच अदर, एंड अगर पैसे चाहिए तो ले लो और छोड़ दो मुझे। तो लड़की तो पैसे लेने तैयार नहीं थी, क्योंकि लड़की पैसे लेती तो शायद केस मैं ही नहीं लेती, क्योंकि जब मैं कोई FIR बनाती हूँ 376 का तो मैं खुद लड़कियों को गवर्नमेंट से पैसा दिलाती हूँ। पॉस्को का FIR बनता है तो पॉस्को के विक्टिम्स को मैं गवर्नमेंट से पैसा दिलाती हूँ, ये मेरा काम है। अगर लड़की से पैसा लेके ही FIR ना करे तो उसका वर्चस्व वही खत्म हो जाता है। और देखो ना, वतु इज्जत मंतशा वतु जिल्लत मंतशा, इज्जत और जिल्लत वो है देने वाला। FIR बन के टेबल पे पड़ा है, उसी ऑफिसर ने बनाया। ये है मेरी ताकत, इस दरवाजे के बाहर भी पैर नहीं निकाला है मैंने, FIR बन के मेरे टेबल पे है। तो तुमने वर्दी पहनी है, पगार लेते हो, पगार जिसकी लेते हो तुम्हें पता है हम कौन है, हम वो हैं जो टैक्स पे करते हैं, ठीक है। नई कंपनी खोली नहीं कि पहले अकाउंट रेडी किया, गुमस्त लाइसेंस लिया हमने, पहले सब कुछ CA को कनेक्ट किया, देख भाई इसमें होने वाला खर्चा इसमें जोड़ देना, हमारा टैक्सेशन कितना, हम भरने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम अपने घरों में जो आराम से बैठे हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा सुरक्षा दल काम करता है जिसको चलाने के लिए गवर्नमेंट को पैसा लगता है। तो वी फील एज इन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी डू अवर ड्यूटी, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर वर्दी से ज़्यादा पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है तो उस वर्दी को पहन के बैठने की ज़रूरत क्या है। सोर्सेस तो वैसे भी आप लोगों के अच्छे हैं, हाँ सोर्सेस अच्छे हैं तो फिर काले बाजार में बैठ के कमाओ, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर बनोगे आप। अब मेरी कंप्लेंट है ना उन लोगों के खिलाफ में सीधा उनके नाम से जाएगी कि ये ऑफिसर, ये पूरी फाइल मैं मीडिया वालों को दे दूंगी जो मैंने अब तक की कंप्लेंट्स की, और आज तक का अगर जिन जिन लोगों ने मुझे देखा या कभी भी फेस किया है तो वो जानते होंगे कि मैंने जो कहा मैंने करके दिखाया। तो ये मेरे ज़िद की और ये मेरे वर्चस्व की बात है, ठीक है। तो कोई माफिया मुझे फ़ोन ना करे, कोई पुलिस के दलाल मुझे फ़ोन ना करें, ऑफिसर्स तो करते ही नहीं, उनको पता है लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो बचे रहे जो बोलते हैं ना, रहे वे जो बचे हुए कीड़े मकोड़े जो अपने आप को जो भी लेवल के लोग समझते होंगे, उनको लगता है कि यहाँ तक कनेक्ट करने के बाद में उनको मुझसे बात करने मिलेगा। आई एम सो सॉरी, दिस इज़ नॉट गोना बी हैपनिंग, दिस टेबल इज़ नॉट फॉर द सेल। अगर वो धंधा नहीं बंद हुआ तो वो जिसके डायरेक्शन में चलता है उन ऑफिसर्स को घर में बिठाने की ड्यूटी मैं ले लूँगी। फिर मैं देखती हूँ कि होम डिपार्टमेंट को इतना ज़्यादा करप्टेड ऑफिसर्स क्यों चाहिए, क्योंकि मैं RTI के माध्यम से पहली रिपोर्ट तो ये मांगूँ कि अब तक की जितनी कंप्लेन मैंने की, अब मुझे सेकंड कॉल वापस से आया नवापुर पुलिस स्टेशन से, अब किया किसी PSI पाटिल ने, वो फिर मुझे बोलते हैं कि मैडम आपका एसोसिएट भेजो या तो आप आ जाओ। तो मैंने बोला सर मैं आने के लिए तैयार हूँ, जहाँ आप लोग को कन्फर्म करती हूँ वहाँ मेरी सुपारी निकल जाती है मार्केट में, पता चलता है शबनम शेख का काम बजने वाला है। अरे माहिम का हलवा है, अरे कमीना माहिम का हलवा है, मुंह में रखोगे और पेट में निकल जाएगा। नज़दीक आने की कोशिश तो करो, मैं भी चाहती हूँ कि वाकई बना ऐसा कोई मर्द आएगा सामने। अरे हिजड़ो करते हो इलीगल काम, तुम लड़ो ना, कितना लड़ते हो, गेम फील्डिंग ये सब क्या करते हो, है मर्द का बच्चा सामने चाहे वर्दी में या वर्दी के बिना, और कह के मेरी जान लेने आया तो मैं भी तुझे दूँ मेरी जान अच्छी तरह। हाँ तो डर से मेरा लेना देना नहीं है, अगर मुझे DG अपना स्टाफ या मुंबई से देते हैं तो स्टाफ ले जाने का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगी अपनी गाड़ी में ले जाके और रेड करके आऊंगी। लेकिन अगर नवापुर के सीनियर PI या नांदुरबार डिस्ट्रिक्ट के SP आप लोग सोचते हो कि आप लोग एक ट्रैप प्लान करोगे और मैं वो बुलबुल आके आपके पिंजरे में फंसूंगी तो आई एम सो सॉरी। दोस्तों जो गैम्बलिंग है, जो इलीगल तरीके से जो चलाई जा रही है, इसमें कई घर जो बर्बाद हो रहे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस का मामला है या लेडीज को लेकर के, तो वो इश्यूज क्या है जो आपके सामने है? देखिए ये जो कौन सा कोने की बात करूँ, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट क्या हमारा एरिया है, बैंड्रा में बाजू में सेंटर क्रूज की बात करूँ, नहीं
वहाँ की कंप्लेन्स है मेरे पास में, वो वीडियोस वहाँ बैठ के मैं नहीं बना रही हूँ जुआ खेलता हुआ, वो 200 लोग एक फील्ड में बैठे हैं, 300 लोग खड़े हैं, अब वो फील्ड देखो, वो फील्ड देख के लगता है कि वहाँ पे आम चीज़ें हो रही हैं, वो जो पैसा करोड़ों के भाव में उधर नीचे पड़ा है वो क्यों है उधर पे, क्या पुलिस वालों को नहीं दिख रहा है? वहाँ पे एक आदमी जब हारता है तो वो अपना घर बेच के आता है, बीवी की ज्वेलरी बेच के आता है, यार लोगों ने बच्चों के स्कूल की फीस तक का बैठ के वहाँ पे हार चुके हैं। सिर्फ वो आदमी नहीं हार रहा है, वहाँ पे उसकी वाइफ हार रही है, उसके बच्चे हार रहे हैं, पूरा का पूरा परिवार हार रहा है। तुम्हारे एक दिन के सिटिंग के, वो बोलते हैं ना उसको पेटी कैश के जो पैसे बोलते हैं जुगारी, उसको दूसरा भी एक लाइन बोलते होंगे पता नहीं जो भी वर्ड, जो वो जो सिटिंग का जितना पैसा तुम कलेक्ट करके, कौन से ऑफिसर को दिन का एक पेटी जा रहा है, कौन से ऑफिसर को दिन का डेढ़ पेटी जा रहा है, दिन की बात कर रही हूँ मैं, ये वो जुगाड़ है। अगर किसी ने एक पुलिस स्टेशन सेट किया है, उसका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सेट किया है, तो दोस्त ऊपर डीजी भी है, गवर्नर भी है, सीएम भी है, पूरा पूरा होम डिपार्टमेंट है। जब एक जुगाड़ का धंधा चलाने वाला आदमी एक दिन का 1,00,000 रुपए एक ऑफिसर को देता है, एक दिन का 1,00,000 रुपए, तो जुगाड़ का रेशियो समझते उधर कितनी जिंदगियां तबाह हो रही है। मुझे किसी दलाल का कॉल नहीं चाहिए, मुझे वो धंधा बंद चाहिए। अगर धंधा नहीं बंद हुआ तो मैं मेरी ताकत दिखाऊंगी, मैं चुप नहीं बैठूंगी जब तक जान है। और क्योंकि मैंने ये सारी कंप्लेंस जो ऑफिशियल स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन किए, तो अब मैं शिंदे साहब से यानी हमारे सीएम साहब से खुद मिल के ये कंप्लेन उनके हाथ में दूंगी, और मैं उनको ये बंच दिखा के ज़रूर पूछूंगी वीडियो दिखा के सर कि अगर ये मुझे दिखाई दे रहा है विद दी एविडेंस, तो आपके अधिकारियों को जिन्होंने वर्दी पहन रखी है उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अगर उनको वो नहीं दिखाई देता, उनको अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करनी, तो प्लीज़ ऐसे ऑफिसर्स को, बहुत नम्रता से बोल रही हूँ, वैसे ऑफिसर्स को आप डिपार्टमेंट से बाहर निकालो, नई पीढ़ियों को लाओ, न्यू जनरेशन को मौका दो देश को सर्व करने का। लोग जॉबलेस घूम रहे हैं, ग्रेजुएट्स जॉबलेस घूम रहे हैं, और करप्टेड बोलते ना करप्शन से डिपार्टमेंट भरा पड़ा है। सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की बात नहीं करूँगी, आप कलेक्टर डिपार्टमेंट चले जाओ तो तुम करप्शन का एक अलग लेवल देखने मिलेगा, एक अलग लेवल। तुम्हारी इतनी सी ज़मीन जिसको बनाने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं होती है, पूरा का पूरा सरफेस आसपास का खाली है, भरा हुआ है, तुम्हारे पास जगह नहीं बनाने के लिए, वो इसके ऊपर तुमको एफएसआई पास करके देंगे, बनाओगे कैसे? वो बिल्डिंग को बना के लेकर आके खड़ा करोगे? नहीं, आप पूरे गवर्नमेंट के जितने भी रोड्स है, फुटपाथ है, आप सारे कवर कर लोगे। आप जब ऐसी कंप्लेंट जाती है, कौन सी कंपनी है, नाम की कंपनी का अब वो एक कंपनी मैंने देखा उसको, अब मुझे पता चला मैडम जिसकी आप कंप्लेन कर रहे हैं बहुत बड़े लोग हैं। मैंने बोला कितने बड़े हैं, क्या करते हैं, सुपारी खाते हैं, पान खाते हैं, मतलब क्या करते हैं, कितने बड़े लोग हैं? तो मुझे बड़े लोगों से ना बहुत डर लगता है कि तुम्हारा बड़प्पन तुम्हारे पास में रखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब जो करप्शन का डिपार्टमेंट है उनको फ़र्क पड़ेगा, वो ड्यूटी पे है, वो गवर्नमेंट से पगार लेते हैं और वो इलीगल काम करते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ये रहा एक साइट, अब जर्नलिस्ट हो ना इसको ज़रा नज़र डालना, ये साइट यहाँ पे रंग शारदा के पास है, G20 का आप लोग अभी इवेंट अटेंड करके आ रहे हो ना, है ना, तो ये साइट देखना, ये साइट के आसपास में बिल्कुल बनाने के लिए जगह नहीं है। कितने हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट पास हो गया, बिल्डिंग बना के लेकर आके रखो ना, रेसिडेंट्स को क्यों प्रॉब्लम दे रहे हो? वहाँ के आसपास के लोगों की मैं आप लोगों को इतनी कंप्लेंट बता दूँ, क्या हो रहा है, करप्शन। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करप्शन के खिलाफ है, इसको सही माध्यम से हमारे देश के हर एक जवान तक पहुंचना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स से, है वो नौजवान लोगों के लिए है। प्लीज़ रीच द बेस्ट गोल्स, इंशाल्लाह मिलूंगी मैं इस पे आगे, और मुझे पता है विथ ऑल सक्सेस मिलूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ में मैं अकेली नहीं हूँ, वो दो चार लुखे टपोरी और गुंडों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे साथ में पूरा का पूरा देश है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।